हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए दूधी का हलवा लेकर आई हूँ, कुछ मीठा सा। चलिए फिर इसकी शुरुआत करेंगे हम। मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो की लौकी यूज़ की है। लौकी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि लौकी छोटे साइज़ की ना हो, वो साइज़ में बड़ी हो तो ही उसका थोड़ा मीठापन रहता है, नहीं तो छोटी साइज़ की लौकी में थोड़ी सी कड़वाहट रहती है। अब लौकी के ये दोनों साइड हमें निकाल लेने हैं। छिलका अच्छी तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह हम सारा छिलका निकाल लेंगे। देखिए अब मैंने इसका छिलका अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसे हम कुछ साइड्स में डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह। और जो हमें ये जो बीच का हिस्सा है ये हमें निकाल लेना है। इसका यूज़ हमें नहीं करना है हलवे बनाते वक्त, सिर्फ इसका यूज़ करना है। इसी तरह हम सारे लौकी इसी तरह बीच निकाल लेंगे इसकी। देखिए मैंने लौकी का बीज वाला हिस्सा अच्छी तरह से निकाल लिया है। देखिए मैंने लौकी अच्छी तरह से ग्रेट कर ली है। चलिए फिर आगे की प्रोसेस के लिए हम शुरुआत करेंगे। मैंने एक पैन गैस पर रख दिया है, उसमें ऐड करूंगी मैं अब 1 बड़ा चम्मच घी। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करना है ये ग्रेटेड किया हुआ लौकी, सारा ऐड करना है इसमें और अच्छी तरह से हमें भून लेना है। ध्यान रखें इसे बीच बीच में चलाते जाना है, इस तरह छोड़ नहीं देना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। देखिए लौकी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें ऐड करना है 1 कप दूध और दूध को भी इसी तरह हमें पूरा गाढ़ा कर लेना है। इसे बीच बीच में चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। देखिए दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। देखिए लौकी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है शक्कर। देखिए मैंने 1/2 कप से भी थोड़ी सी कम ली है, इतनी शक्कर काफ़ी हो जाएगी इसके लिए। अगर आपको ज़्यादा डालना है, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ये शक्कर का पानी भी इसमें छूटेगा, वो भी हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए शक्कर का पानी कितना सारा छूट चुका है। अब इसे भी इसी तरह चलाते जाएंगे और इसे पूरा पका लेना है। शक्कर भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं हमारी इस हलवे में। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा खोया। ये लगभग 20 से 30 ग्राम खोया है, इसे मैं ऐड करने वाली हूँ। देखिए इस तरह। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप घर में जो मलाई होती है दूध की वो 1 कप ऐड कर सकते हैं उसमें, या फिर कंडेंस मिल्क वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क ऐड करने के वक्त शक्कर का ध्यान रखें, उसमें शक्कर की मात्रा होती है। या फिर आप इसमें मिल्क पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चलाते जाना है। देखिए मावा हमारा अच्छी तरह से हर तरफ घुल चुका है। जो लौकी का कलर होता है वो अब हमें इसमें लाना है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फूड कलर। देखिए सिर्फ 1 ड्रॉप यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, तो ये ज़्यादा गाढ़ा ग्रीन हो जाएगा। देखिए बस इतना ही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए लौकी का हलवा अब तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है हमें, देखिए इतनी सी इलायची पाउडर, मैंने क्रश कर लिया है उसे, और ये कुछ काजू है, थोड़े से घी के ऊपर से रोस्ट किया है मैंने इसे, और इसे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
ये अब तैयार हो चुका है हमारा दूधी का हलवा। चलिए फिर अब इसे हम सर्व करेंगे। दूधी हलवा आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।